छत्तीसगढ़ के पैटर्न पर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए वृंदावन में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में प्रथम दिन उस समय बवाल खड़ा हो गया जब महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए शिविर में हंगामा काटते हुए शिविर छोड़ दिया। महिला कार्यकर्ती के हंगामे को देख पार्टी के बड़े नेताओं को पसीना आ गया। यहाँ तक कि यह मामला कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए सलमान खुर्शीद तक पहुँच गया जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दरअसल श्री बांके बिहारी की भूमि वृंदावन से कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्ष सहित जिला और शहर अध्यक्षों के प्रशिक्षण की शुरुआत की है। यह प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टीम दे रही है। इसमें रविवार को आगरा और कानपुर मंडल के उक्त पदाधिकारी भाग लेने आए हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने उस वक्त कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश किया जब राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का वर्चुअल संबोधन चल रहा था। इस दौरान पार्टी के उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित व प्रदेश सचिव योगेश ताला ने उनका कंधा पकड़कर रोक दिया। इस पर प्रीति तिवारी भड़क गई। उन्होंने इससे अपने साथ बदसलूकी बताते शिविर को छोड़ दिया। इस स्थिति में उन्होंने मनाने के लिए भी कांग्रेस के नेताओं ने प्रयास किया जिनमें विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर वरिष्ठ नेता महेश पाठक जुटे रहे। प्रीति तिवारी ने इस वाक्या को लेकर अपना विरोध सलमान खुर्शीद के समक्ष भी रखा लेकिन वे सुनकर निकल गए। नाराज इसलिए दिखाई दे रहे हो कि तमीज नहीं है यहाँ पर। जो प्रदेश टीम के लोग हैं प्रदेश सचिव योगेश तालान प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित तमीज नहीं है। मैं पदाधिकारी हूँ नहीं हूँ नॉर्मल औरत हूँ। आप मेरा शोल्डर पकड़ कर रोकेंगे मुझको अंदर एंट्री होने से तो क्या बदतमीजी की तरह का कुछ देखेगा यहाँ पे? मैं एंटर हुई प्रियंका जी का लाइव चल रहा था उसमें उनको मुझे रोकना था लेकिन ये नहीं करना था कि मेरा शोल्डर पकड़ेंगे और कहेंगे कि लेट हो रहा है उनका वो चल रहा है। किसने शोल्डर पकड़ा था? योगेश दीक्षित जी ने। तो आप मैडम पदाधिकारी हैं यहाँ पर? मैं पदाधिकारी हूँ लेकिन ये बूथ लेवल के भाई जी क्या करेंगे, छोड़ दूंगी पदवी।